उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे सो so, सबसे पहले टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए ह्यूमिडिटी यानी कि जो मॉइस्चर है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितना होना चाहिए वेंटिलेशन एग का पोजीशन कैसे होना चाहिए और टर्निंग्स कितनी बार हम करेंगे इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे इनकोबेटर में फर्स्ट है टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत ही क्रिटिकल जो है फैक्टर है फॉर इन दी इनक्यूबेटर राइट सो जो इम्बरीओ स्टार्ट डिवलपिंग वन दी टेम्परेचर एग्जिट दीज फिजिजिकल जीरो फिजिलॉजिकल जीरो मतलब ये वो टेम्परेचर है जब इम्बरीओ का जो ग्रोथ है इस टेम्परेचर पर इम्बरीओ का ग्रोथ जो है रुक जाएगा अगर ये टेम्परेचर होगा तो ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगा इसीलिए टेम्परेचर इससे ज़्यादा होना चाहिए ठीक है लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि इनक्यूबेटर में टेम्परेचर कितना होना चाहिए ठीक है तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ चिकन चिकन के केस में जो इनक्यूबेशन पीरियड है ये ट्वेंटी वन डेज़ का होता है राइट right? तो अलग अलग जो पोल्ट्री के अंदर जो अलग अलग ब्रीड्स हैं लाइक डक है चिकन like, uh, है कोयल uh, है टर्की है, है इन सब में इनक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की में इनक्यूबेशन पीरियड इज़ ट्वेंटी एट डेज़ ठीक है लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दी चिकन्स तो चिकन में जो इनक्यूबेशन पीरियड है इनक्यूबेशन पीरियड वो ट्वेंटी वन डेज़ का होता है ठीक है तो पहला जो अट्ठारह दिन है डे वन से लेके जब आपने इनक्यूबेटर में रखा डे वन से लेके कर एटीनथ डे तक टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवेंटी फाइव डिग्री ओके इसका रेंज है नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव से नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवेंटी फाइव डिग्री फेरन ये टेम्परेचर हो मेन्टेन करके हमें इनकूबेटर में रखना है यानी कि फर्स्ट डे से एटीनथ डे तक अगर आपसे पूछा जाता है कि इनकूबेटर में क्या टेम्परेचर होना चाहिए तो इनक्यूबेटर में जो इनक्यूबेटर में हम फर्स्ट डे से एटीन डेज तक रखते हैं चिकन के एग को ठीक है इनक्यूबेटर का टेम्परेचर आपसे बहुत बार पूछते हैं तो आपको ये बाय हार्ट कर लेना इट इज़ नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव ज़ीरो टू नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन फाइव डिग्री फेरन राइट उसके बाद लास्ट के जो तीन दिन होते हैं उसमें हम इनक्यूबेटर से एग को ट्रांसफ़र कर देते हैं हैचर में ठीक है क्योंकि लास्ट के थ्री डेज में जो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है देन जो इनिशियल फर्स्ट डे से एटीन डे तक है इसीलिए हम इनक्यूबेटर से उसको हैचर में ट्रांसफ़र करते हैं आपसे पूछा जाएगा कि हैचर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट थ्री डेज़ में कितना टेम्परेचर होना चाहिए देन इट इज़ थोड़ा सा कम होता है इट इज़ नाइनटी एट पॉइंट फाइव ज़ीरो डिग्री फेर ठीक है तो कंपेरेटिवली इनक्यूबेटर में टेम्परेचर हाई होता है नेक्स्ट आपसे सवाल जो आता है वो ह्यूमिडिटी को लेके कि इनक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए एंड हैचर में ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए राइट इनक्यूबेटर में जो ह्यूमिडिटी है वो फिफ्टी फ़ाइव से सिक्सटी परसेंट फिफ्टी फाइव से सिक्सटी परसेंट तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए ठीक है और जो है, हैचर है यानी कि लास्ट के जो थ्री डेज हैं जब हैचर में हम एग को रखते हैं तो उस टाइम पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो थोड़ा ज़्यादा होता है ठीक है हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं क्यों क्योंकि ताकि जो चिक्स हैं वो डिहाइड्रेट ना हो जाए है, हैचर में राइट इसलिए वी हैव टू इंक्रीज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी सो इट इज़ अराउंड सिक्सटी फाइव से इसका रेंज है सिक्सटी फाइव से सेवेंटी परसेंट ठीक है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेंटिलेशन वेंटिलेशन से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग के अंदर इम्रो डेवलप्ड हो रहा है वो एग जो है कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें तो सी ओ टू रिलीज करता है एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन सी ओ टू इज़ रिलीज्ड एंड ओ टू इज़ कंज्यूम्ड ठीक है तो फ्रेश ऑक्सीजनेटेड एयर इज़ नीडेड फॉर दी रेस्पिरेशन सो ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ़ फॉर एम्ब्रियो फ्रॉम एग ठीक है तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन है इन दी इंक्यूबेटर और इन दी हैचर ये कितना होना चाहिए ठीक so, है सो फॉर एवरी वन ड्रॉप इन ऑक्सीजन देर इज़ फाइव परसेंट रिडक्शन हैचिबिलिटी यानी कि जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की कि इतना परसेंट ऑक्सीजन होना चाहिए इनक्यूबेटर में या हैचर में उससे एक परसेंट कम अगर हो गया ऑक्सीजन तो जो हैचिबिलिटी है जो चिक्स हैच होंगे वो फाइव परसेंट रिड्यूस हो जाते हैं तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ देर इज़ वन परसेंट ड्रॉप इन ऑक्सीजन हाउ मच परसेंट रिडक्शन विल बी देयर इन हैचिबिलिटी तो आपको ये पता होना चाहिए एक परसेंट जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ड्रॉप कर जाएगा डिक्रीज़ कर जाएगा तो हेचिबिलिटी में फ़ाइव परसेंट रिडक्शन आएंगी ठीक है दूसरा जो है सी ओ टू को लेके काफ़ी बार पूछा जाता है कि सी ओ टू का टॉलरेंस लेवल क्या है सी ओ टू का जो कंसनट्रेशन है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनकूबेटर में या हैचर में ठीक है सो फॉर दी फर्स्ट फोर डेज़ इंकूबेटर में इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसन्ट्रेशन है वो पॉइंट थ्री परसेंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सी ओ टू का कंसन्ट्रेशन ठीक है अगर पॉइंट फाइव कंसनट्रेशन से ज़्यादा है ठीक है काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर पॉइंट फाइव से ज़्यादा कंसेंट्रेशन है सी ओ टू का इनक्यूबेटर में तो हैचबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है ठीक है पॉइंट थ्री परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इससे ज़्यादा है तो हैचबिलिटी विल डिक्रीज ऑल राइट सो अगर आपसे पूछा जाए कि इंक्यूबेटर में या हैचर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन फ़ाइव परसेंट है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट इट इज़ लीथल जितने भी एग जो हैं उसके जिन उनके अंदर इंब्रो डेवलप्ड हो रहे हैं सबकी डेथ हो जाएगी इफ़ दी टाइम कंसनट्रेशन ऑफ सी ओ टू इज फाइव परसेंट रिम्बर दिस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट सो so, इसीलिए बहुत ज़रूरी है एडिक्वेट सर्कुलेशन मेंटेन करके रखना ताकि फ्रेश एयर का सर्कुलेशन रहे प्रॉपर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए एग की पोजीशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो एग हमने इनक्यूबेटर में रखा है उसको टर्न करना होता है वी हैव टू टर्न एट क्यों क्योंकि अगर हमने इनिशियली जो फर्स्ट वीक है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टर्निंग अगर हम टर्न नहीं करेंगे तो जो एग के अंदर इम्प्रूव डेवलपड हो रहा है ये शेल मेमरिन से स्टिक इट विल स्टिक टू दी उससे चिपक जाएगा ठीक है इसलिए टर्निंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो एग की पोजिशन की हम बात करें तो एग का जो लार्ज एंड है जिसे मैंने पहले बताया ये अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि एयर सेल प्रेजेंट होता है वहाँ पर जो हेड है चिक का दिस डेवलप्स टूअर दी टूअर्ड्स दी लार्जर एंड ठीक है सो सिक्सटी परसेंट इम्बरीओ में जो हेड है वो सिक्सटी परसेंट ऑफ़ द इमरी विल डेवलप्ड विद दी हेड नियर दी स्मॉल एंड अगर आ, जो है, है, अगर एग को जो है नैरो एंड को अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे तो जो हेड है वो नैरो एंड की तरफ डेवलप्ड होगा एंड इससे होगा क्या इफ़ेक्ट होगा ये कि हैचिंग के टाइम पे जो एयर सेल है वो तो ब्रॉड एंड की तरफ प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएंगे ठीक है पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि गैस का एक्सचेंज एयर सेल की तरफ से हो रहा है तो हेड का जो डेवलपमेंट है वो भी लार्ज एंड की तरफ होना चाहिए ताकि पल्मोनरी रेस्पिरेशन इनिशिएट हो पाए राइट सो so, फर्स्ट एटीन डेज यानी कि इनक्यूबेटर में जो है लार्ज एंड अपवर्ड डायरेक्शन में होता है बट हैचर में हम एग को हॉरिजेंटल पोजिशन में रखते हैं ओके okay? सो so, हैचर में हॉरिजेंटल पोजिशन टर्निंग ऑफ एग्स आई टोल्ड यू दैट एग्स टू बी टर्न एट लीस्ट एट टाइम्स अ डे कम से कम दिन में एट टाइम्स जो है एग को टर्न करेंगे फोर्टी फाइव डिग्री एंगल में टर्न करते हैं फोर्टी फाइव डिग्री में टर्न किया फिर फोर्टी फाइव डिग्री में टोटल नाइन्टी डिग्री का ठीक है इससे क्या होता है इट प्रिवेंट्स द इम्ब्रियो एडहेरिंग टू द द्रा इंब्रोनिक मेम्ब्रेन एंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ मोटिलिटी यही है कि अगर टर्न नहीं करेंगे तो इम्ब्रियो जो डेवलप्ड हो रहा है विद इन एग दिस विल विल दिस स्टिक टू मेम्ब्रेन ठीक है टू शेल मेम्ब्रेन जिसकी वजह से इम्ब्रियो की मोर्टिलिटी हो सकती है सो so, एग का जो टर्निंग है वो फोर्टी फाइव डिग्री में एंगल पे किया जाता है एंड फोर्टी फाइव एंगल पे फिर रिवर्स करते हैं टू द फोर्टी फाइव एंगल टोटल जो है नाइन्टी डिग्री होती है सो ये दिस इज इंपॉर्टेंट रिमेम्बर इज जो जब इंकूबेटर में है तो हम टर्निंग करते हैं इनिशियल का जो फर्स्ट वीक है उस टाइम पे टर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विथ टाइम टर्निंग जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनिशियली आप एट टाइम्स कर रहे हैं टर्निंग दैन यू विल रेड्यूस टू सिक्स टाइम एंड यू विल रिड्यूज टू फोर टाइम्स इन दी थर्ड वीक लेकिन हैचरी में जब हैच जब हैचर में एग को रखेंगे तो उस टाइम पर टर्निंग नहीं करेंगे टर्निंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन हैचर रिमेंबर दिस ओके कोई टर्निंग नहीं करते ये एक टेबल है इसको अब याद रख लेंगे कि इनकोबेटर में कितना टेम्परेचर एंड हीटी होना चाहिए एंड जो पोजिशन है एग का वो कितना होना चाहिए और कितने टाइम्स आप टर्निंग करेंगे हैचर में टर्निंग नहीं करते हैं राइट सो so, अगर टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो जो इम्बरीओ डेवलप्ड होंगे हैचिंग के बाद वो या तो उनकी डेथ हो जाएगी या फिर अगर डेथ नहीं हो रही तो जो डेवलप्ड होंगे वो चिक्स जो है वीक एंड डिफॉर्म्ड होंगे इसीलिए प्रॉपर टेम्परेचर शुड बी मेनटेन राइट अगर नेरो एंड अपवर्ड है तो हैचिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी नो टर्निंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर ओके okay, जब 18 डेज के बाद यानी कि जब हैचर में रखते हैं तो टर्निंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड राइट सो इन जो इनक्यूबेटेड एग है उसको हम uh, उसके जो टेस्ट करते हैं जिसके लिए हम वी गो फॉर दी कैंडलिंग जो कैंडलिंग प्रोसेस है इसको कैंडलिंग क्यों कहते हैं सबसे पहले जब कैंडलिंग uh, किया गया था तो एज अ सोर्स ऑफ लाइट कैंडल यूज़ किया हुआ था जैसे हम बल्ब यूज़ करते हैं कैंडलिंग के लिए उस टाइम पे सबसे पहले जो है कैंडल को यूज़ किया गया था एज अ सोर्स ऑफ लाइट इसीलिए इस प्रोसेस को हम कैंडलिंग कहते हैं राइट सो so, कैंडलिंग जो है बेसिकली इनक्यूबेटर में अगर कैंडलिंग कर रहे हैं तो रिमेंबर दिस कैंडलिंग जो है सेवेंथ डे पे किया जाता है फिफ्थ टू सेवेंथ डे पे इनक्यूबेशन में ताकि अगर कोई भी इनफर्टाइल एग आ गया है इनक्यूबेटर में या तो उसको आप रिमूव कर लेंगे ठीक है और अठारह दिन के बाद यानी कि एटीनथ डे पे जब कैंडलिंग करते हैं तो उस टाइम पे अगर इमरीयों की डेथ हो गई है किसी भी वजह से तो कोई ऐसा एग है जिसके अंदर डेड इमरी है तो ऐसे एग्स को आप रिमूव कर देंगे बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है कि कैंडलिंग कब करते हैं तो बहुत ऑप्शनस में आप देखेंगे सेवन्थ टू सेवन्थ डे पे एंड ऑन दी फोर्टीन डे पे कैंडलिंग करते हैं आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे अगर एटींथ डे पे भी ऑप्शन है तो यूसो टेक दल्सो करेक्ट बट नॉर्मली जो रेंज है वो सेवेंथ या फोर्टीन डे पे किया जाता है राइट सो कैंडलिंग के टाइम पे अगर इन्फर्टाइल uh, ट्रांसपेरेंट uh, है यानी कि एग के आर पर आपको दिख रहा है इसके अंदर मतलब ये है कि एम्ब्रियो नहीं है एग इनफर्टाइल है उसको आप रिमूव कर देंगे और डेड इम्ब्रियो डेड कैसे पता चलेगा आपको ट्रांसलूसेंट मतलब अगर इम्ब्रियो जो है लाइफ है तो ओपेक होगा आर पर लाइट नहीं जाएगा बट डेड इम्ब्रियो है तो आपको ब्लड वेसल्स एक तो दिखेंगे नहीं और दूसरा जो है ट्रांसलूसेंट uh, होगा कम्प्लीटली ओपेक नहीं होगा कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा तो इस, इस, सच टाइप ऑफ एग्स को आप रिमूव कर देंगे ये मैंने आपको बताया था कि जो एग होता है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं शेल जो है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वाटर जो है वेपर के फॉर्म में लॉस होती है ठीक है दिस डिपेंड्स कितना लॉस होगा ये डिपेंड करता है कि एग में जो पोर्स है उसके साइज़ क्या है और कितने या है, हैचर में कितने एग्स प्रेजेंट हैं तो इसके वजह से जो है मॉइस्चर जो डेवलप्ट होता है इसीलिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं ठीक है तो एग मस्ट लॉस ट्वेल्व परसेंट ऑफ इच्च वेट बाई इसके वजह से वाटर के लॉस होने की वजह से एग का जो है वेट लॉस हो रहा होता है तो ये जो वेट लॉस है इट शुड नॉट बी मोर देन टेल्व परसेंट इन इन्क्यूबेटर राइट सो इसीलिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेक करते हैं कि ज़्यादा या कम तो नहीं है हैचरी मैनेजमेंट में बेसिक यूनिट्स फॉर चिकन प्रोडक्शन विदर लेयर और हैचरी मैनेजमेंट में ये है कि वंस हैचिंग इज डन और जो चिक्स हैं अगर वो लेयर हैं या ब्रॉयलर हैं तो अकॉर्डिंगली वी विल गो फॉर दी मैनेजमेंट ऑफ लेयर और ब्रॉयलर सो हैचरी मैनेजमेंट में सबसे पहले आप जो हैचर है उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे डिसइंफेक्ट एंड फ्यूमिगेट करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई पैथोजन प्रेजेंट है कोई कंटेमिनेशन है जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है अगर आपने अगर हैचर में एग्स तो क्लीन है लेकिन जो इंक्यूबेटर है या हैचर है उसमें